अच्छा तो मैं आपको कह रहा था कि हम जा रहे हैं इस वक्त स्कर्दू की तरफ, कादर साहब मेरे साथ हैं और आपको स्कर्दू गिलगित के बारे में इंशाल्लाह हम बताएंगे। फिलहाल पता नहीं है। कादर साहब जी जी नहीं, ट्रेल से आप अचानक कहाँ रवाना होंगे? ट्रेल से हम प्लेन पे आ गए। फिर भी कहाँ जा रहे हैं आप? ये स्कर्दू जा रहे हैं। वहाँ पे कोई डिलिमिटेशन की ट्रेनिंग है उनकी। ओके चलो आपको स्कर्दू भी दिखाते हैं, कादर साहब साथ होंगे, गिलगित भी दिखाएंगे, गिलगित भी दिखाएंगे और मज़ा भी आएगा। जहाज रेडी है तो वेट करें, बस सिर्फ पायलट का इंतजार। अच्छा ये है गिलगित और स्कर्दू रोड जो अभी रिसेंटली बना है, तकरीबन 2 साल हो गए। हमने रात को भी इधर आके हम वापस चले गए थे स्कर्दू की तरफ, क्योंकि ये देखे पत्थर किसी वक्त भी गिर सकते हैं यहाँ पे। और ये पूरा रोड देखे, पत्थर अभी भी आके नीचे आ रहे हैं। देखें हम ज़रा, ये देखें। तो ये पत्थर गिरते मुसलसल, ये बहुत ही ख़तरनाक जगह है। और वो FWO वाले लगे हैं उसको साफ कर रहे हैं। तो स्कर्दू और गिलगित के लिए मैं यही रोड यूज़ होता है, लेकिन मैंने सुना है, बल्कि कल रात एक भाई बता रहा था कि इनके डॉक्यूमेंट्स में लिखा है बाकायदा कि इस रोड पे 8 टनल होंगे। कोई टनल नहीं बना, सारे पैसे जेबों में चले गए। और वो जो टनल हुंजा रोड पे बने हैं कि ऊपर टनल बना के इसको कवर करके जो पत्थर है वो नीचे दरिया में गिर जाते हैं, ये रेवर इंडस है। तो ये हालात हैं, गाड़ियों की कतारें लगी हैं। ओवरऑल अगर करप्शन की बात की जाए तो करप्शन की वजह से हम लोग सफ़र कर रहे हैं ये, और डेथ भी होती है और तकलीफ भी बर्दाश्त करते हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि रोड खुल जाए और हम गिलगित निकल जाएं। मैडम गिलगित को, और ये गया जो है ना इस्लामाबाद, मानसेरा और चिलास। ये हम आ गए अब मेन KKH पे आ गए। यही है ना अकबर? KKH पे हम आ गए। अस्सलाम वालेकुम। हम आ तो गए स्कर्दू से बाय रोड, एक रात हमने वहीं गुजार दी रोड पे क्योंकि रोड बंद था। और इस वक्त हम गिलगित में, गिलगित में हमारी 3 दिन की ऑफिशियल एंगेजमेंट है और वो मुकम्मल करके इंशाल्लाह फिर आगे हम जाएंगे हुंजा, होपर वैली, नलतर वैली, और सुना है उधर एक क्रिकेट स्टेडियम है वो भी कवर करना है। लेकिन उससे पहले ये मैं आपको दिखा दूँ, दिस इज़ रिवर गिलगित जो गिलगित से आता है और आगे जाके जहाँ पे 3 पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं, हिमालया, कराकोरम और हिंदूकश, वहाँ पे ये दरिया दरिया सिंध के साथ मिल जाता है और फिर नीचे जाता है पंजाब और सिंध की तरफ। तो दिस इज़ गिलगित, GDA फैमिली पार्क है ये, और ये दरियाए गिलगित है। हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह आपको मैं आगे की सैर भी करवाऊँगा। थैंक यू सो मच। तो ये है 0 पॉइंट। ये जो रास्ता आ रहा है ना, ये आ रहा है कोहिस्तान के रास्ते, दासू के रास्ते,
और ये फिर इस तरफ जाता है गिलगित साइड पे, जबकि ये जो रास्ता आ रहा है ये आज जाता है बाबूसर टॉप की तरफ, और बाबूसर से आप जाएंगे मानसेरा और फिर आगे एबटाबाद इस्लामाबाद। तो अभी सीन ये है कि यहाँ पे रोड बंद है, गाड़ियाँ खड़ी हैं क्योंकि बाबूसर पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हुआ है। आज है तारीख 14 अक्टूबर 2023। कुछ गाड़ियाँ खुद डिसाइड कर रही हैं वो इस रोड से जा रही हैं कोहिस्तान के रास्ते, जबकि हम वेट कर रहे हैं कि कहीं रास्ता खुल जाए तो बाबूसर के रास्ते जाते हैं। हम आए हैं गिलगित की तरफ से बाय रोड, क्योंकि जो हमारे फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई, और हम अब जा रहे हैं किसकी तरफ, इस्लामाबाद की तरफ या बाबूसर के रास्ते या कोहिस्तान के रास्ते। सो लेट्स वेट।